अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि फरवरी में कौन कौन से वेजिटेबल लग सकते हैं और उनका पहले बताऊंगा जो फर्स्ट हार्वेस्ट होगी। पहला है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च 50 से 60 डेज तक बन जाते हैं। और फिर है मिर्च, मिर्च भी 50 से 60 डेज तक बन जाते हैं। फिर है करेला, करेला 90 से 120 दिनों में बन जाते हैं। फिर है कद्दू, कद्दू 60 से 120 दिनों में बन जाते हैं। फिर है भिंडी, बैंगन, बैंगन 60 से 70 दिनों तक बन जाते हैं। फिर है भिंडी, भिंडी 70 से 90 दिनों में बन जाती है। फिर है प्याज, प्याज 150 से 180 दिनों में बन जाते हैं। फिर अदरक, अदरक 110 दिनों से 115 दिनों तक बन जाते हैं। फिर आलू, आलू 110 से 115 दिनों तक बन जाते हैं। फिर है मूली, मूली 30 से 60 दिनों तक बन जाते हैं। फिर टमाटर, टमाटर 60 से 70 दिनों में बन जाते हैं। फिर शक्करकंदी, शक्करकंदी 140 से 150 दिनों तक बन जाते हैं। फिर तोरी 60 से 70 दिनों तक बन जाते हैं। फिर धनिया, धनिया 45 से 50 डेज तक बन जाते हैं। फिर पुदीना, पुदीना 45 डेज से 50 डेज तक बन जाते हैं। फिर खीरा, खीरा 50 से 70 डेज तक बन जाते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी सब्जियां कैसे लगाते हैं। ये जमीनों पे लगानी है, गमलों में लगानी है। तो आप अगली वीडियो के लिए वेट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।